गेट्स एंड पुट्स इन सी। नमस्कार दोस्तों, दरअसल क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, गेट्स एंड पुट्स क्या होता है इसको जानते हैं, देर नहीं करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी एरे में, मतलब कैरेक्टर टाइप में अपना नाम स्टोर कराना है एकांत। अगर मुझे नाम स्टोर कराना है तो कहेंगे भाई दिक्कत क्या आ रही इसको स्टोर कराने में, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जाओ, स्कैनर चलाओ, स्ट्रिंग में जाके और जो भी वेरिएबल हो आपका नेम उसमें जाके ऐसे स्टोर करा दो। मैं कहूँगा भाई बहुत बढ़िया बात, हो जाएगा, कर देंगे। लेकिन अब मान लो मैं कह दूँ मुझे स्टोर कराना है माई नेम विजयकांत, ऐसे क्या है ना बड़ी बेइज्जती होती है पूरा नाम स्टोर कराना है, तो अब क्या करोगे? तब तो भाई आप कहोगे कि अब ये स्कैनफ ये काम करने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग को तो ऐसे स्टोर करा सकता है लेकिन स्पेस को तो ये नहीं समझ पाएगा ना ये स्टोर करा पाएगा। तो सी प्रोग्रामिंग में ऐसा क्या करें कि पूरा स्टेटमेंट हम लोग अंदर निगल जाएं, मतलब सी प्रोग्रामिंग जो है कंपाइलर के अंदर स्टोर करा ले, जहाँ भी उसकी मेमोरी है पूरा उसको निगल जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, गेट्स एंड पुट्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हम लोग किसी भी में भी गेट्स लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम मान लीजिए कुछ भी हो, तो हम लोग क्या होता है यहाँ से कोई भी स्ट्रिंग को इस तरीके की हो, कोई सेंटेंस हो, कोई पैराग्राफ हो, जिस हिसाब से हमने उसको असाइन किया हो उसको अंदर कर सकते हैं और पुट्स से उसको शो भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक देर ना करते हुए एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, छोटा ही वीडियो रहेगा ये। तो मान लीजिए हमारी हेडर फाइल इंक्लूड हुई इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या हुआ हमारा मेन फंक्शन शुरू होगा भाई। तो मेन फंक्शन शुरू हुआ, अब मेन फंक्शन के अंदर मैं कहना चाहता हूं मुझको एक ऐसी ही स्ट्रिंग मान लीजिए यही स्टोर कराना है और मैं कैरेक्टर का 1D एरे असाइन करा देता हूं, कैर नेम नाम का करा देता हूं, जिसके अंदर मैं कितनी वैल्यू ले सकता हूं 25 लेटर्स तक की, 25 लेटर्स से तो कमी होगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि प्रिंट करना है हमें नेम। तो यहां पे हम लोग जब गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि गेट्स का, तो मतलब हम लोग स्ट्रिंग जो भी हमारी है उसको अंदर ले रहे हैं और इसके अंदर आएगा हमारा वेरिएबल नेम, मतलब जो भी एरे हमने असाइन किया या कोई वेरिएबल होता तो यहां पे क्या किया हमने नेम को इस तरीके से एंटर करा दिया और अगली बार हमें शो कराना है तो हमने पुट्स नेम करा दिया। तो अब क्या होगा हमारी आउटपुट स्क्रीन जब होगी तो यहां पे हम लोग से पूछा जाएगा, जैसे ही एरे चलेगा वो मान लेगा एक नेम नाम का ब्लॉक बन गया जिसके अंदर 25 जो है कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेट हो गई है। जैसे ही गेट्स पे आएगा तो आपके पास कर्सर आ जाएगा कि आप क्या फिल कराना चाहते हो, जस्ट लाइक स्कैनर आप क्या फिल करना चाहते हो। तो आप यहां पे अब अगर ये डालोगे माई स्पेस के साथ नेम इज एकांत, तो ये गेट्स उसको स्टोर करा लेगा, ये गेट्स उसको स्टोर करा लेगा और जैसे इसके बाद पुट्स चलेगी तो ये यहां पे प्रिंट करा देगा माई नेम इज एकांत। ये काम करता है गेट्स और पुट्स, मतलब ये स्पेस के साथ अलग अलग स्ट्रिंग्स को ले लेता है, जबकि स्कैनफ स्पेस के साथ लंबा स्ट्रिंग्स को स्टोर कराने में कैपेबल नहीं है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग जो है वो करा सकता है। तो ये इस्तेमाल होता है गेट्स और पुट्स का सी प्रोग्रामिंग में, जो आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आओ। साथ ही बात ये याद रखिएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने सारे वीडियोस पढ़ा रखे हैं सारे कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के साथ, जिसको आप देख सकते हैं जाके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक और आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKA ANT 360। इसको नोट डाउन कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।